तीन दिवसीय कांडा महोत्सव का कलश यात्रा के साथ ही शुभारंभ हो चुका है। छोलिया दलों के साथ साथ यहाँ विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। भारी दुकानदारों के द्वारा दुकानें भी लगाई गई, झूले चरके भी लगे हैं जिनका बच्चे खूब आनंद उठा रहे हैं। मुख्य अतिथि विधायक सुरेश गढ़िया ने कांडा महोत्सव की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण प्रतिभागियों के लिए बेहतर मंच बताया है। कांडा के अंदर महोत्सव शुरू हो रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ रंगारंग कार्यक्रम के साथ सबके चेहरे पर एक खुशी और एक अच्छा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सब लोग दूर दराज से जो है इस महोत्सव में सम्मिलित होने आ रहे हैं। तो जो महोत्सव के आयोजक है मैं उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, बहुत लंबे समय से ऐसे कौतिक और मेलों का आयोजन पहले से होता आया है, तो इसलिए हम सब लोग उसको संवर्धन करने का काम कर रहे हैं और यहाँ की पीढ़ी को उस पीढ़ी से जो सीख के लाए हैं उस सीख को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। और ऐसे महोत्सवों के माध्यम से मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि लोगों को एक नई दिशा देने का काम भी हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे झोड़े हैं, चाचरी है, जो हमारे न्योली है, तो उसका आयोजन भी यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर नए नए तरीके से जो आज के जो टैलेंट है, जहाँ लोग रोजगार के साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं,
तो विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल के साथ, एक रुचि के साथ ये 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। और मुझे निश्चित रूप में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाने का सुअवसर प्राप्त होता है। हर कोई चाहता है कि वो मेले के साथ, संस्कृति के साथ और अपने परंपरागत जो धरोहर है, आने वाली नई पीढ़ी को कुछ न कुछ दे के जाए। माँ काली की असीम कृपा से कांडा महोत्सव समिति यहाँ पर भव्य दिव्य महोत्सव हो उसके लिए प्रयासरत है। आज हमारे महोत्सव का प्रथम दिवस है। इस महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे महोत्सव का उद्घाटन के लिए हमारे सम्मानित माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, हमारे उप जिलाधिकारी उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया तथा हमारे सम्मानित पूर्व दर्जा राज्य मंत्री उमेश सिंह माजरा जी हमारे बीच पहुँचे। उन्होंने हमें अनुरोध किया तथा समस्त विद्यालयों के द्वारा एक सुंदर झांकियां, बुजुर्गों द्वारा अपना, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा झांकियां, हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा झांकियां तथा आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की बहनों ने उन्हें अपने यहाँ झांकियां प्रस्तुत करी।